नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे गुजरात और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 24 के बारे में। लास्ट मैच में जो जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था सब कुछ वैसा ही देखा। अब इस मैच में आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। 2 मेंबर 4 मेंबर 10 मेंबर खेल लो, आराम से क्लीन स्वीप कर सकते हो। और अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो वहां पर अच्छी रैंक लेकर आनी है तो वहां क्या करना आपको पड़ेगा, कैसा पैटर्न तैयार करना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देख लेना, इतना सा ही काम है, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है इस मैच के अंदर। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नहीं दो फ्री गिवअवे है। पहला फ्री गिवअवे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट का है, दूसरा फ्री गिवअवे आपको मिलेगा एक आसान से सवाल का जवाब देना है या फिर कहें कि तुक्का लगाना है तो वो भी आप विन कर सकते हो। और एक और ऑफर आपके लिए लेकर आया हूं जहां 1 नहीं 5 नहीं 10 नहीं पूरी 20 टीम तक आपकी एंट्री फीस वापस आ सकती है। कैसे होगा और ऐसा आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइक के साथ में वीडियो को आगाज कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो है फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल। चलिए, और हाँ साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम सबसे जरूरी चीज है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पर जो मैं आपको टॉस के बाद अपडेट्स देता हूं उसके आधार पर जो आप ग्रैंड लीग में चेंजेस करते हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप कमेंट सेक्शन से भी लिंक ले सकते हैं। टेलीग्राम बकायदा लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे आपको फाइनल अपडेट टाइम से मिल जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, और इस मैदान के अगर आप डाइमेंशंस की बात करोगे तो 68 मीटर की बाउंड्री लगभग आपको यहां पे देखने मिल जाती है। पिछले जो कुछ मैचेस खेले गए वो मैं आपको जरा डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि इस मैदान पर अभी तक जो 55 मैचेस खेले गए उनमें से 35 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। ज्यादातर मैचेस में आपको यहां ड्यू देखने नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि पिछला जो मैच हुआ था आरसीबी और आरआर का, यहां पे काफी ज्यादा ड्यू आई जरूर थी और जिसकी वजह से ही राजस्थान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा इस ग्राउंड के ऊपर हुआ क्या है। अभी जो 3 मैचेस हो चुके हैं इनको नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग ये छोटी छोटी बातें नोट करते चलोगे तो आपके काम आएगा जब आप जीएल के कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। यहां पर आप देखिएगा टोटल 3 विकेट गए, यहां पे टोटल 4 विकेट गए, यहां पे टोटल 5 विकेट गए, यहां पे 5 विकेट हमने देखे। इसके पहले देखोगे तो यहां 6 विकेट चले गए थे और यहां पे सिर्फ 4 विकेट ही हमने देखे। तो अगर आप देख रहे हो सही तरीके से तो टोटल मिला के 10 विकेट भी पूरे मैच के अंदर सही तरीके से नहीं जा रहे, ये हमें देखने वाली बात है। तो ज्यादातर जो परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है, मतलब जो ड्रीम टीम में आने लायक काम है, ज्यादातर जो काम है या तो बल्लेबाजों ने किया है या ऑलराउंडर्स ने किया है। तो अगर आप गेंदबाज कर रहे हो तो आपको सही गेंदबाजों का सिलेक्शन तय करना पड़ेगा कि हाँ ये जो गेंदबाज हैं ये मेरे लिए ड्रीम टीम में आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 7 गेंदबाज रख लिए, क्योंकि दोनों टीमों में गेंदबाजों की भरमार है और अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। बाकी डिटेल में रिकॉर्ड देख लेंगे। अब इस मैदान पर एक और चीज हमने देखी है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ राजस्थान की तरफ से स्पिनर्स के विकेट की, तो चहल को जो विकेट मिले हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी गेंदबाजी 17वें और 18वें ओवर में उनसे कराई गई है, ये सबसे बड़ा रीजन रहा है इसलिए इनको विकेट मिला है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे जो गुजरात की टीम है, इस मैच पे हम कह सकते हैं कि स्पिनर को विकेट मिल सकता है, क्योंकि राशिद खान भी ऐसे ही गेंदबाज हैं जिनका इस्तेमाल 17वें 18वें ओवर में हो जाता है। इसीलिए यहां हम कह सकते हैं कि दोनों पारियों में आपको स्पिनर के खाते में विकेट देखने मिल जाएंगे। वैसे यहां पर भी अगर आप देखोगे तो स्पिनर्स को ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं, 1 विकेट यहां 2 विकेट हमने यहां देखा। तो कुल मिलाकर स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना है। अब रही बात फास्ट बॉलर्स की, लास्ट मैच में नई गेंद के साथ में बिल्कुल विकेट नहीं थे। बाकी सेकंड इनिंग में बात करेंगे तो यहां 1 विकेट गया, फिर इसके बाद कोई विकेट नहीं आया। वही स्थिति आप यहां पर देख सकते हो कि नई गेंद के साथ में इस मैच में विकेट आया था पावर प्ले में, इस मैच में विकेट आया था पावर प्ले में, लेकिन इस मैच के अंदर पावर प्ले में कोई विकेट हमें सही तरीके से देखने नहीं मिला। जो जायसवाल का विकेट आया था वो उन्होंने अपनी तरफ से फेंका था एक तरह से देखा जाए तो कुल मिला के ये जो बारीकियां हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि बल्लेबाज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे ज्यादातर मैचेस में। टॉप ऑर्डर अगर 4 ही विकेट जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि टॉप 3 से काम हो जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पिनर्स का बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है।
और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नई गेंद के साथ वो विकेट जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें पिच रिपोर्ट से क्लियर होगा, जो मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। तो टेलीग्राम पे रहना, और अधिकतर मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है तो आप सेकंड बैटिंग पे थोड़ा सा रिलायबल रह सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। अब लास्ट ईयर जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो राजस्थान ने सिर्फ 118 बनाया था, गुजरात ने बनाया था 119, जिसमें रिद्धिमान शाह का 40 था, हार्दिक पंड्या का 39 था, 3 विकेट राशिद खान के थे और 2 विकेट नूर अहमद के थे। संजू सैमसन ने 30 रन बनाया था। फिर इसके पहले अगर देखेंगे तो शमी के 3 विकेट, राशिद खान के 2 विकेट हैं, डेविड मिलर 46 था, शुभमन गिल का 45 था। संजू सैमसन यहां पर भी 60 रन बना चुके थे और शिमरन हेटमायर का 56 था और संदीप शर्मा के 2 विकेट थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जहां पे 100% आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, जितने भी मेरे नए यूजर हैं जो लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां से आप माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, साइनअप कर लो और जाके मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लो। आप 20 टीम लगाओगे, 20 टीम की एंट्री फीस आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ होगा नए यूजर्स के साथ में और हमारी जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है उससे। तो जितने भी लोग नए यूजर हैं वो जाके साइनअप कर सकते हैं, सारी 20 की 20 टीम की एंट्री फीस आपको वापस मिल जाएगी, मतलब ज्यादा लगाओ ज्यादा जीतो। और प्राइजेस की अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ रुपए का प्राइज आपको यहां पे शुरुआत में मिलता है और इसके अलावा 20% का एक्स्ट्रा कैश बोनस आपको यहां पे मिल जाता है। करना क्या है, आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है मेरा कूपन कोड talented23, इसका इस्तेमाल कर लेना। talented23 का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मिल जाएगा 20% का एक्स्ट्रा कैश जब आप पहली बार डिपॉजिट करोगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां से जॉस बटलर, जयसवाल, संजू सैमसन, पराग, ध्रुव जुरेल, शिवनू नटमायर, जो कि आपके लिए राजस्थान की प्लेइंग 11 में शामिल है और टॉप 6 में खेलते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 3 और 2 5 इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। लास्ट मैच में पराग का इस्तेमाल करना पड़ा था, हालांकि ऐसा बार बार नहीं होगा। आपको पावर प्ले की गेंदबाजी कौन देगा वो मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं। पावर प्ले की गेंदबाजी जो है वो आपको मिलेगी नांद्रे बर्गर से और ट्रेंट बोल्ट से, ये दोनों पावर प्ले में आएंगे और जो साथ में नांद्रे बर्गर है ये आपको डेथ में भी नजर आएंगे जब तक कि संदीप शर्मा वापस नहीं आते हैं। संदीप शर्मा वापस आ जाएंगे तो फिर पॉसिबल है कि वो आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आवेश खान डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, युजवेंद्र चहल आपको 18वें ओवर में गेंदबाजी करके देते हैं और रवि अश्विन का इस्तेमाल भी पिछले मैच में डेथ ओवर में कर लिया गया था। तो दोस्तों यही कारण है कि स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो ये 5 ही गेंदबाज इनके पास में है और पांचों के पांचों अपने 4-4 ओवर पूरे डाल देते हैं। अब कुछ रिकॉर्ड्स आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्ड के साथ साथ में हम ये तय करेंगे कि किसको किस कंडीशन में टीम में शामिल करना है, तो ध्यान से वीडियो को देख लेना। और जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। जरा देख लेते हैं, जॉस बटलर ने पिछले ही मैच में इस मैदान पर 100 मारा है, ठीक है। इसके बाद जयसवाल ने 12 मैच खेलकर 29 का एवरेज और 2.50, ये रिकॉर्ड इनका थोड़ा ज्यादा ही खराब है, खास तौर से राजस्थान के इस ग्राउंड के ऊपर। संजू सैमसन का 37 का एवरेज है, 6.50 ये भी कर चुके हैं और रियान पराग ने भी 1.50 बना दिया है। गेंदबाजी में अश्विन को 10 विकेट मिले हैं, चूंकि ये नॉर्मली स्पिन ट्रैक नहीं होता है इसीलिए अश्विन के पास में ज्यादा विकेट नहीं है। फिर यहां पे देखोगे पराग के पास में तो खैर एक ही विकेट है, नांद्रे बर्गर ने 4, ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट निकाले हैं, आवेश खान को भी 4 मिले हैं, चहल को जरूर 18 विकेट मिले हैं, क्योंकि ये बंदा अपने आप में भी क्वालिटी रखता है। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो किसी गेंदबाज को तो एक चीज जरा ध्यान से देख लेना कि इस मैदान के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं जो प्लेइंग 11 खेल रही है उसमें से एकमात्र चहल ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो कि 4 विकेट इस मैदान पर निकाल चुका है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसी को कैप्टन करना भी है या नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। आपको दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन जितने कम होते जाएंगे उतना फायदा होता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो यार बोल्ट भी अच्छी गेंदबाजी करता है उसको भी बना दूं, आप सोच रहे हैं बर्गर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसको भी बना दूं, तो दोस्तों वो थोड़ा सा रिस्क वाला काम है। लेकिन अब हमें देखना है यहाँ पे सबसे पहले जॉस बटलर आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट मैच में 100 बनाया, 2024 में ये इनका पहला 100 है और 3.50 100 कर चुके हैं और गुजरात के सामने 2.50 कर चुके हैं। ओवरऑल गुजरात के सामने रिकॉर्ड बढ़िया रहा है,
हालांकि अभी अगर हम बात करें पिछली 8 इनिंग में पहले बैटिंग करते हुए बहुत बड़ा स्कोर नहीं निकाल पाए, सेकंड बैटिंग करते हुए इसलिए लास्ट मैच में अच्छा स्कोर आया क्योंकि ड्यू फैक्टर हमने देखा था। और राशिद खान इनको 4 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, हालांकि राशिद खान से मैचअप बन रहा है तो राशिद खान 6वां ओवर डालेंगे फिर उसके बाद 10वां ओवर डालेंगे, तो अगर 6वें ओवर में बच गए तो फिर मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी कोई समस्या होनी चाहिए। इसके बाद है जायसवाल, जायसवाल लगातार फ्लॉप चले हैं, 4th मैच है जो फ्लॉप गया है। हालांकि ये खिलाड़ी ऐसा है जो कि कभी भी आपको बड़ा स्कोर करके दे सकता है, इसीलिए इसको छोड़ना हाल फिलहाल में मुश्किल काम है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता, स्मॉल लीग में रखना पड़ेगा आपको। 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और 1 शतक लगाया है पिछले 1 साल के अंदर, दोनों पारियों का रिकॉर्ड अच्छा है। दिक्कत आई है लेफ्ट आर्म मीडियम से, लेफ्ट आर्म मीडियम ने थोड़ा परेशान किया है, चूंकि अगर आप सामने वाली टीम में देखोगे तो स्पेंसर जॉनसन जो है वो आपको मिल जाता है जो कि पहला ओवर लेकर आ सकता है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने 2 मैचेस में बड़ी कमाल की पारी खेली है, 18 इनिंग में 5-50 ये भी कर चुके हैं और गुजरात के सामने 32 का एवरेज इनका भी है। और चाइना मैन इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, तो अगर इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी कोई बन सकता है तो वो है नूर अहमद। नूर अहमद देखे जाए तो चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं, इसके अलावा उमेश यादव इनको 3 बार आउट कर चुके हैं लेकिन कितनी गेंदों में आउट किया है, 60 गेंदों के अंदर, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 10 ओवर में 3 बार आउट करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। फिर आते हैं नंबर 4, रियान पराग। अभी दोस्तों जो टॉप 3 निकले हैं उनमें से जायसवाल रिस्क हैं क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में नहीं चले, बाकी संजू और बटलर ऐसे हैं जो कि बढ़िया कर रहे हैं, तो इन दोनों को आपको रखना पड़ेगा। उसमें भी संजू सैमसन जो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा बड़े कंफर्म पिक बनते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो विकेट कीपिंग दे रहे हैं, साथ में आपको बल्लेबाजी देते हैं, तो अगर देखा जाए तो संजू अभी तक वाइस कैप्टन कैप्टनसी के लिए बढ़िया चॉइस है। और अगर आप जीएल के हिसाब से रिस्क देख रहे हैं, क्योंकि संजू को तो अधिकतर लोग स्मॉल में भी बना देंगे, अगर आप जीएल के हिसाब से रिस्क देख रहे हो तो फिर आप बटलर और जायसवाल की तरफ हम जा सकते हैं। इसके बाद है रियान पराग, 203 अच्छे स्कोर इनके बैट से निकल चुके हैं, 350 है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हालांकि हर मैच में 50 आएगा, लेकिन हाँ अब ये उस तरह के खिलाड़ी बन चुके हैं कि आपको 25 रन 30 रन इजीली करके दे सकते हैं, तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो पराग को रखना गलत नहीं होगा। और चूंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो नूर अहमद राशिद खान को मुझे लगता है कि अच्छा खेल जाएंगे, और यहाँ पे स्पिन का बहुत बड़ा कमाल है भी नहीं, इसीलिए रियान पराग मेरी टीम में शामिल रहेंगे। इनको लेग ब्रेक ने थोड़ा परेशान किया ज़रूर है, 3 बार आउट किया है, 50 गेंदों में 17 का एवरेज है, तो राशिद खान से दिक्कत आनी चाहिए वैसे तो। यार राशिद खान 2 बार आउट कर चुके हैं, माफ करना दोस्तों अपने शब्द वापस लेता हूं, राशिद खान 2 बार आउट कर चुके हैं इनको, ठीक है। इसके बाद है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल का दोस्तों बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है, और बैटिंग डाउन फिक्स नहीं मतलब रिस्की प्लेयर है। अब चूंकि हमने ये देखा कि लास्ट ईयर ही इस टीम को ऑल आउट किया था गुजरात की टीम ने, तो अगर ऐसी स्थिति बनती नजर आती है तो ध्रुव जुरेल तक हम जीएल में मतलब ग्रैंड लीग में जा सकते हैं, वैसे नहीं जाएंगे स्मॉल लीग के अंदर। और 26 का बैटिंग एवरेज है और 13 का बैटिंग एवरेज जीटी के सामने है। उमेश यादव जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों शिमरन हिटमायर। हिटमायर की बात करें तो इनका इस्तेमाल होता कब है ये जानना जरूरी है आपको। इनका इस्तेमाल नॉर्मली होगा 15 ओवर के बाद में, और वो भी पहले बैटिंग के अंदर। और नॉर्मल में अगर जो टॉप ऑर्डर खड़ा रहा, जैसा हम देख भी रहे कि 3-4 विकेट से ज़्यादा गिर नहीं रहे, तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा मौका मिल जाए ये भी दिक्कत वाली बात है। तो अगर आप इनको टीम में स्मॉल लीग में रख रहे हो तो ये रिस्क हो जाएगा। इनको रखने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में है, और वो भी जब जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो तब सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर ड्यू आती है तो फिर बैटिंग वैसे भी आना मुश्किल हो जाएगी। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है, ऑफ ब्रेक इनको परेशान करता है। सामने वाली टीम के पास में एक तो उमेश यादव है जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं, राशिद खान इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 1.50 बनाया है। इसके बाद रवि अश्विन है। रवि अश्विन एक बार आपकी ड्रीम टीम में आ सकते हैं, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी विकेट जाते हैं ना, तो फिर इनको ध्रुव जुरेल से ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। तो जहां अगर आप सोच रहे हो कि बटलर और इसके बाद जायसवाल ये दोनों अगर जल्दी जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 विकेट जल्दी गिर रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि अश्विन आपको ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। 34 इनिंग में 27 विकेट है। चूंकि मैं विकेट के ऊपर नहीं जाऊंगा इनके, तो विकेट पे उतना डिपेंड मत करना जितना बल्लेबाजी पे कर लेना, क्योंकि 2 बार 29 और 16 बना चुके हैं, विकेट 1 ही बार मिला है इनको, तो विकेट पे ज्यादा डिपेंड मत करना। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज 13 है। उमेश यादव और राशिद खान इनको 3 बार आउट कर चुके हैं सिर्फ 13 गेंदों में। शुभम दुबे का भी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो इन पे भी ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, हालांकि एवरेज बल्लेबाज है।
इसके बाद नांदरे बर्गर, दोस्तों मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था 25 पॉइंट आपके सेफ रहेंगे, नांदरे बर्गर को इस्तेमाल कर लेना। 21 इनिंग 22 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 17, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट है। और इसके बाद 10वें नंबर पे आपको मिलते हैं ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने 16 इनिंग में 21 विकेट निकाला है और गुजरात के सामने ऐसा कुछ कमाल हुआ नहीं है। गुजरात के सामने अगर देखोगे तो एक विकेट का हाईएस्ट है। अगर बॉल स्विंग नहीं हुआ तो फिर बोल्ट को रखना रिस्की काम है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में मेरे यहाँ जो टीम बनाई है अभी, तो उसमें मेरे बोल्ट शामिल है, क्योंकि अगर हम फाइनल टीम देखेंगे टॉस के बाद उस हिसाब से हम बोल्ट का तय करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है। पहले गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11। आवेश खान हमेशा रिस्की पिक है, हालांकि इनके पास में 4 विकेट का हाईएस्ट आपको मिला जरूर है। अब जैसे हमने यश ठाकुर को देखा लास्ट मैच में, उन्हें विकेट मिल गए, विकेट मिल गए थे दर्शन नालकंडे को। तो ऐसे दोस्तों बल्लेबाज अगर अपनी तरफ से विकेट फेंक कर देना चाहे तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इनके पास में ऐसी कोई वैसी क्वालिटी हो कि मैं बॉल डाल के विकेट निकालूं। आधी पिच पर बॉल फेंकेंगे और बॉल सर के ऊपर से निकलती दिखेगी, बल्लेबाज जबरदस्ती उसको चेस करने जाएगा तो एक अलग बात है। पहले गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट है। चूंकि डेथ ओवर में डालते हैं तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद चहल 18 इनिंग 29 विकेट, इन पर ज़्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि गुजरात के सामने अभी तक बहुत बड़ा कमाल आया नहीं है, 5 इनिंग में 4 ही विकेट निकाले हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन उस टीम में ज़्यादा है, इस वजह से भी आपको ऐसा देखने मिलता है। अब प्लेइंग 11 जो दूसरी टीम है गुजरात की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए आज के फ्री गिव अवे का सवाल क्या रहने वाला है। तो फ्री गिव अवे का आंसर देने का तरीका सबसे पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी बताया था, हैशटैग लगाकर आपको FTH लिखना है। सबसे पहले कमेंट में लिखना है, ठीक है, और फिर आपको हैशटैग लगाना है और जो भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस मैच में बहुत ईजी से मतलब तुक्का ही लगाना है, खैर सीधी सी बात है उसमें, तो आप इतना बता दीजिएगा कि इस मैच के अंदर जो संजू सैमसन है उनके कितने फैंटेसी पॉइंट आप देख रहे हैं, कितने फैंटेसी पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये आप मुझे बताइएगा। और एक्यूरेट नंबर लिखना है, मतलब तुक्का ही रहेगा, मुझे भी पता है कि ऐसा कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर नंबर्स दे देंगे तो सभी लोग बताने लग जाएंगे, तो इसलिए किस्मत का आजमाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। बात कर रहे हैं गुजरात की, साई सुदर्शन शुभमन गिल ओपन करेंगे, कैन विलियमसन सारथ शंकर राहुल तेवटिया आपको मिलेंगे। गेंदबाजी में इनके पास में ऑप्शन काफी सारे हैं, शर्मा जी, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद, राशिद खान और दर्शन नालकंडे। पिछले मैच में नालकंडे ने थोड़ी बेहतर गेंदबाजी कर ली थी। आप गेंदबाजी ऑप्शन में आप देखेंगे तो राशिद खान का पावर प्ले में 1 ओवर आता है, डेथ में आते हैं 2, यही रीजन है। स्पेंसर जॉनसन डेथ में ओवर आता है, इसके बाद उमेश यादव का पावर प्ले में 3 ओवर निकलवाते हैं, नूर अहमद का इस्तेमाल ये मान लीजिएगा कि 15वें ओवर तक हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपको पहला गुजरात टाइटंस की तरफ से नाम मिलता है वो है शुभमन गिल का, जो कि इस मैदान पे 4 मैच खेलकर 106 बना चुके हैं और 150 है, और केन विलियमसन 2 मैच खेलकर 76 बना चुके हैं, 150 इनके पास भी है। गेंदबाजी में राशिद खान इस मैदान पे 5 विकेट निकाल चुके हैं, चूंकि स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान के सामने ही निकाले हैं, और नूर अहमद 2 विकेट निकाल चुके हैं, उमेश यादव निकाल चुके हैं 4 विकेट, और मोहित शर्मा निकाल चुके हैं 2 विकेट। मोहित शर्मा के पास में 2 विकेट हैं, जरा देखिएगा। अब पहला जो नाम है साई सुदर्शन का है, 30 रन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बनाना अगर 22 गेंदों में 30 रन है, 24 गेंदों में 30 रन है तो वो बनते हैं। तो साई सुदर्शन जो है ये आपके लिए इतने बढ़िया पिक बनते हैं कि आपको 30 रन इजीली बना के देते हैं, लेकिन इनको दिक्कत आती है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से। चूंकि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग नहीं है राजस्थान के पास में, तो एक बार फिर से 30 रन मान के चलूंगा, पहले बैटिंग करते हुए 350 है, कन्फर्म पिक आपके लिए बनते हैं। दूसरा है शुभमन गिल का, शुभमन गिल पहले बैटिंग करते हुए 78 का एवरेज, राजस्थान के सामने 12 पारी में सिर्फ एक ही बार 50 है, ये ध्यान रखिएगा, 12 पारी में कितने 50 है, एक 50 है। रिस्क है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेना चाहते हो रिस्क, हाईली सिलेक्टेड प्लेयर बट कैन बी फेल प्लेयर में ऐड कर सकते हो शुभमन गिल को। चूंकि एक बात का ये भी ध्यान रखना कि ये जो शुभमन गिल जो प्लेयर है ये नॉर्मल स्कोर क्यों करते हैं, इनके स्कोर करने के पीछे रीजन होता है कि अटैकिंग शॉट्स को ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं। अगर बॉल स्विंग हुआ तो ही विकेट मिलेगा, नहीं तो बॉल स्विंग नहीं है तो फिर कुछ नहीं, सिंगल दुक्की खेलना है। स्ट्राइक रेट आप देखोगे 120 का है, यहाँ पे जरूर आपको लगभग 150 के आसपास स्ट्राइक रेट देखने मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर मैचेस में आप ये देखेंगे कि 130 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इसी वजह से आपको ज़्यादा विकेट देखने नहीं मिलता है। लेग ब्रेक के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं, आवेश खान 2 बार आउट कर चुके हैं, चहल 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन कुछ टीमों में, कुछ ज़्यादा टीमों में रिस्क लेकर देख सकते हो। फिर इसके बाद है केन विलियमसन, ऐसा कर लेना स्मॉल लीग खेल रहे हो ना तो कैप्टन वाइस कैप्टन से बचा के भी रख सकते हो,
ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के सामने केन विलियमसन ने 8 मैच खेलकर 217 किया है, 43 का एवरेज है, पिछले एक साल में 21 का बैटिंग एवरेज है और 150 है। सेकंड बैटिंग करते हुए 150 किया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज आपको 14 का देखने मिल जाता है। इसके बाद बी आर सारथ बहुत गंदा शॉट खेलकर आउट हुए लास्ट मैच में, विकेट कीपिंग एबिलिटी थोड़ी बढ़िया है लेकिन बैटिंग एबिलिटी देखने नहीं मिली है, इसलिए अभी हाल फिलहाल की स्थिति में ये टीम में नहीं है। इसके बाद विजय शंकर, इनको रखने का फायदा कब, तब एक ही एक बार जीएल के वाइस कैप्टन कैप्टन बनेंगे, ये बात आप नोट कर लेना, एक बार तो बनना ही बनना है ये पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो जी एक टीम बनाना ग्रैंड लीग की, उसमें टॉप थ्री टॉप टू छोड़ना और उसमें इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना, ये जीएल की बता रहा हूँ, इसको जरूर बना के देखना। क्योंकि होगा ये कि एक मैच ऐसा आएगा जिस मैच में सारे जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होंगे, पॉसिबल है कि ट्रेंट बोल्ट नांदेड़ शुरुआत अच्छी दे दें, जल्दी विकेट निकाल दें, तो फिर इनके पास में मौका रहेगा कि खड़े रहेंगे अकेले, 40-50 कर देंगे सिंगल दुक्की से तो उसका फायदा देंगे, तो वाइस कैप्टन तक जा सकता है। इसके बाद राहुल तेवतिया है। अब जब जब यहाँ पहले बैटिंग करते हुए देखेंगे गुजरात को, इनकी बैटिंग आएगी और ये स्कोर देंगे, अब आप ट्राई कर सकते हो। पिछले साल तक राहुल तेवतिया को कोई ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन अब डिफरेंशियल के तौर पे आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब भी टीम पहले बैटिंग करेगी इनकी बैटिंग आएगी और ये 20-25 करके देंगे। इसके बाद है राशिद खान, एक विकेट ऑलमोस्ट निकाल रहे हैं क्योंकि 18वें ओवर में डाल रहे हैं, तो फिर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। नूर अहमद को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, 36 में 47 विकेट यहाँ हैं और 2 में 3 विकेट आपको देखने मिलेंगे। पहले गेंदबाजी करते हुए 14 में 15, सेकंड में 32। इसके बाद दर्शन नालकंडे, 6 इनिंग 6 विकेट इनके पास है, इनका इस्तेमाल 10 ओवर के बाद में किया जा रहा है, इसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। और उमेश यादव ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल दिए थे, 24 इनिंग 21 विकेट है। चूंकि इस मैच में मैं जायसवाल के कम से कम 50 उम्मीद करके चल रहा हूँ, वैसे मैं 70 बोलने वाला था लेकिन अब मैं 50 ही बोल के रह गया। स्पेंसर जॉनसन अभी तक उतना कुछ कमाल किया नहीं है, 33 इनिंग 38 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 14 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए भी 14 विकेट है। और अंतिम नाम है मोहित शर्मा का, जो कि फर्स्ट इनिंग के बढ़िया गेंदबाज हैं या फिर तब बढ़िया गेंदबाज हैं जब टीम पहले बैटिंग करते हुए 200 बनाते हैं। अब एक कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए शुभमन गिल, बटलर, नांद्रेबर्गर अगर स्विंग हुआ तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन जाएंगे, 2 विकेट निकाल देंगे, 2 विकेट में 50 पॉइंट 50 मतलब लगभग 60 पॉइंट के आसपास कुछ बोनस मिला के तो फायदा है, इसलिए नांद्रेबर्गर रखा हुआ है। फिर है साई सुदर्शन, इसके अलावा संजू सैमसन, ये आपके लिए बहुत बेटर चॉइसेस है जिन पे आप ट्राई कर सकते हो। टीम कॉम्बिनेशन में हमने बटलर और सैमसन को रखा है, चूंकि मैंने आपको बताया था कि गिल को एज अ प्लेयर रख लूंगा, रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, इसलिए एज अ प्लेयर अकेला रखा हुआ है। साई सुदर्शन है, जायसवाल है, चहल, बर्गर, मोहित शर्मा और नूर अहमद की जगह यहाँ पर राशिद खान रहेंगे, ये आपको चेंज देखने मिल जाएगा। फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे दूंगा टॉस के हिसाब से, टेलीग्राम पे रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा 1500 रुपये का कैश बोनस और दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।